सो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट उन बच्चों के लिए जिन्होंने स्टोर कीपर ड्रग और स्टोर कीपर जनरल का फॉर्म भरा है। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है कि सिलेबस कैसा है, बुक्स कौन कौन सी है और एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, बिकॉज इसके ऊपर भी बच्चों की क्वेरी आई हुई थी कि स्टोर कीपर का भाई फॉर्म भर तो दिया है पर पेपर कैसा आएगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना बच्चों। और अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है बच्चों तो आप वो जाकर भी देख सकते हो, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या आप आई बटन पे भी देख सकते हो, बीच बीच में आई बटन पे भी आपको वीडियो की लिंक आ जाएगी, आप वहां जाकर भी देख सकते हो। सो वीडियोस जो है ये सारी हमने स्लाइड वाइज बना रखी है। तो सबसे पहली जो स्लाइड है उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो ये सारी चीजें आपने देख ही ली होगी और मैंने पार्ट वन में भी एक्सप्लेन करी थी, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टोर कीपर ड्रग के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि स्टोर कीपर ड्रग की वैकेंसी 5 है, सारे ही एग्जाम आपके ऑनलाइन बेस्ड होंगे, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। सो जॉब लोकेशन होने वाली है आपकी दिल्ली, और जो एग्जाम सिटी है वो आपकी भी हो सकती है, बट जो इसकी पोस्टिंग होगी वो न्यू दिल्ली की होगी, बिकॉज आप लोगों ने एम्स न्यू दिल्ली का फॉर्म भरा है। थर्ड थिंग इज जो एम्स का एडमिट कार्ड होता है और इसकी जो एग्जाम डेट होती है वो सारी चीजें जो है नोटिफाइड हो जाएगी आपको आपकी मेल पे, और ये जैसे ही एग्जाम होने वाला होता है उससे 1 या 2 या 3 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाता है। अगर नहीं आता है इनकेस तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हो। तो अब यहाँ हम डिस्कस करते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा। तो सबसे पहले हम स्टोर कीपर ड्रग को एक्सप्लेन करेंगे, बस हर साल जो है सेम पैटर्न आता है, बस 2020 में जो है इसका पैटर्न बहुत डिफरेंट आया था स्टोर कीपर का और स्टोर कीपर जनरल का भी, दोनों का पैटर्न बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था, बिल्कुल भी टेक्निकल तो बिल्कुल भी नहीं था, आप कह सकते हो टेक्निकल नहीं था, सारा पेपर प्रैक्टिकल आया था, बट उसके बाद जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें टेक्निकल बेस बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा गो थ्रू किया है और आप लोगों को मैं उसी बेसिस पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो, ये इसी साल की एडवर्टाइजमेंट है जो पेपर अभी इस साल हुआ है, बट ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो जनवरी की है, तो एग्जाम आई थिंक फरवरी मार्च या मई में हुआ होगा, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट ये एग्जाम हो चुका है, इसका रिजल्ट भी आ गया है, एंड इसीलिए ये पोस्ट दोबारा निकाली है, बिकॉज उनको ऑल स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है और जॉब पोस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। या फाइल नंबर भी देख सकते हो, सारी चीज इसी साल की है। तो यहाँ हम सबसे पहली चीज देखते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है, कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितना होता है। सो एग्जाम की जो टाइमिंग होती है आपकी वो 1.5 आवर्स होता है, मींस 90 मिनट्स, 90 मिनट्स में आपको पेपर अपना दे देना है, और ये ऑनलाइन बेस्ड होगा, आपके सामने जो है डिस्प्ले आ जाएगा और वहां पर आपको क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आपको सॉल्व करने होंगे जिसमें से एक राइट आंसर होता है। तो यहाँ पर आपके टोटल 100 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। अब पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो 25 क्वेश्चन आपके आएंगे एप्टीट्यूड से, जनरल नॉलेज से एंड अवेयरनेस से, एंड 75 क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू सब्जेक्ट। अब भाई रिलेटेड टू सब्जेक्ट से आप सोच रहे हो कि भाई स्टोर कीपर का कैसा होगा, भाई अब आपने देख लिया कि ये ड्रग की पोस्टिंग है तो सारे क्वेश्चन जो है ड्रग से रिलेटेड ही आएंगे आपके, कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़े से इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं बट बाकी सारा आपका टेक्निकल आता है इसमें। 25 क्वेश्चन आप आराम से तैयार कर सकते हो, अगर अभी भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो इसमें वीडियोस आने वाली हैं बहुत सारी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको धीरे धीरे जो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आपको जितने क्वेश्चन आते हैं आपको उतने ही क्वेश्चन करने हैं, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में इतना ही था, और मीडियम ऑफ एग्जाम जो है आपका इंग्लिश में होगा। सो सिलेबस की बात करते हैं, तो सारा सिलेबस जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बेस्ड होने वाला है और एक्सपीरियंस बेस्ड होने वाला है, मतलब जितना भी आपने अपने 4 इयर्स में स्टडी किया होगा ड्रग, मतलब जितने भी बच्चे फार्मासिस्ट हैं उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में जितना भी टेक्निकल कोर्स पढ़ा होगा सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे, बिकॉज जो स्टोर कीपर ड्रग का फॉर्म भर रहे होंगे बच्चे वो बेसिकली जो है फार्मासिस्ट ही हैं जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। सो आपको सिलेबस समझ आ गया होगा। 25 क्वेश्चन आएंगे आपके नॉन टेक्निकल पार्ट से, जिसमें आएगा जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, उसके बुक्स में आगे वीडियो में बताऊंगी आपको, एंड सिलेबस कैसा होने वाला है, टॉपिक्स क्या क्या होंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग कि इसमें आपके 75 क्वेश्चन जो है उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं आपके टेक्निकल,
प्लस इसमें एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल आएंगे, थोड़े से एक्सपीरियंस बेस्ड भी होंगे। तो जो 25 क्वेश्चन है वो सबसे पहला जो आपको मैंने बताया सब्जेक्ट एप्टीट्यूड है, और इसके नंबर जो है स्कोरिंग पे बेस्ड होते हैं, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी स्कोरिंग होगी। इसकी जो बुक है वो एस चांद की आप ले सकते हो। अब इसकी नई एडिशन आ गई है तो आप वो देख सकते हो। सबके लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप चाहो तो बाय कर सकते हो, नहीं कर सकते तो इंटरनेट पे आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा, वो भी ले सकते हो। अब देखते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको कोई भी बुक नहीं लेनी, सारा जो करंट अफेयर्स है और जनरल नॉलेज टॉपिक है लेटेस्ट, वो सारे आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, इंटरनेट पे इजीली सब कुछ अवेलेबल होता है, तो आप इंटरनेट पे जाकर देख लेना, गूगल पे टाइप कर देना लेटेस्ट करंट अफेयर्स 2023 जनवरी फरवरी मार्च, जिसके भी आपको पढ़ने हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। थर्ड थिंग इज जनरल नॉलेज। सो इसकी जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, अरिहंत की और लूसेंट की, ये जो आप देख रहे हो, ये पर्टिकुलरली जो बुक है एमसीक्यू की है। अगर आपको थ्योरी बेस्ड चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, तो इसकी येलो कलर की एक बुक आती है लूसेंट की, आप वो बाय कर लो। अब आते हैं मेन चीज की, अगर आप इनमें से कोई भी बुक नहीं लेना चाहते, देखो एप्टीट्यूड की तो आपको लेनी पड़ेगी, नहीं ले सकते तो अगेन आप जो है लाइब्रेरी जाके भी देख सकते हो या इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो। और अगर आप ये वाली बुक नहीं लेना चाहते जो मैं आपको यहाँ एरो कर रही हूँ, सो आप इन दोनों बुक्स में से ले सकते हो। इसमें बहुत ही बेसिक, मतलब बहुत पतली सी बुक है ये एम्स की, बहुत ही बेसिक इसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो 25 क्वेश्चन की कैसे तैयारी करनी है मैंने आपको बता दी, एप्टीट्यूड की करनी है एस चांद से, जनरल अवेयरनेस की करनी है आपको इंटरनेट से, जनरल नॉलेज की करनी है अरिहंत या लूसेंट से, और अगर कोई भी बुक नहीं लेना चाहते बच्चों तो ये ले लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं 75 क्वेश्चन की, जो कि आपका टोटली टेक्निकल कोर्सेज में से आएगा, मींस टेक्निकल बेस्ड होगा प्लस एक्सपीरियंस बेस्ड होगा। सो 2020 में जो पेपर हुआ था वो टोटली प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड था, एंड उसके बाद जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो सारे टेक्निकल नॉलेज के बेस्ड थे। तो फार्माकोलॉजी अगर आपको स्टडी करनी है तो आप ये दोनों बुक्स ले सकते हो, ये KD त्रिपाठी की बुक्स हैं, ये वाली जो है क्लासिफिकेशन की है, और इसके अंदर तो आपको ओवरऑल सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन सब कुछ ही मिल जाएगा। इसमें भाई टॉपिक्स कैसे आते हैं, तो इसमें टॉपिक्स जैसे आपसे पूछ लेगा कि CVS की ड्रग्स बताओ, बीच बीच में से पूछ लेगा, पूरी क्लासिफिकेशन आपको पढ़नी होगी, ये पूछ लेते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NSAIDs, हाइपरटेंशन, LA and GA मीन्स लोकल एनेस्थेटिक एंड जनरल एनेस्थेटिक्स, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ बेसिक बेसिक टॉपिक हैं जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं, और बीच बीच में से क्वेश्चन पूछेंगे इसमें। सो भाई यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन पढ़ लेनी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लेना है इन ड्रग्स की, एंटीडॉट्स पढ़ने हैं आपको, एंड सीवियर साइड इफेक्ट्स, कुछ कुछ ड्रग्स होती हैं जिनके सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में पूछ लिया जाता है, एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, वैक्सीन्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, टेम्परेचर और ड्रग इंट्रैक्शन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, और ये वन लाइनर ही होती हैं, तो डीप स्टडीज में आप नहीं कर सकते तो मत करो, बट आपको पर डे वन क्लासिफिकेशन तो रीड आउट करनी पड़ेगी विद देयर साइड इफेक्ट्स। सो नेक्स्ट थिंग इज फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी भी आपको भाई अच्छे से कर लेनी है। ये सारी बुक्स हैं, आप इनमें से कोई भी बुक्स ले सकते हो, वैसे ये सारी बुक्स आपके लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने इनकी फोटोज भी लगा रखी हैं, आप इनमें से भी देख सकते हो, और लिंक्स तो मैं सारी बुक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी और भी वीडियोज बना रखी हैं, कुछ क्वेश्चंस की भी बना रखी है, तो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप थोड़ी देर में आई बटन पे देख लेना, वहां पर लिंक आ जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हो उन क्वेश्चंस को। सो यहाँ पर जो टॉपिक्स आते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कटाइंस में से पूछ लेगा, अनायंस में से क्वेश्चन पूछ लेंगे, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में पूछ लेंगे कि भाई शैम्पू में कौन सा इंग्रेडिएंट यूज होता है, कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स पे से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टैबलेट्स, पेरेंट्रल्स, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सस्पेंशंस पे तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड स्टरलाइजेशन पे। नेक्स्ट बुक है आपकी CK Kokate, ये बहुत ज़्यादा ही हैवी बुक है, और इसमें बहुत ही एक्सप्लेनेशन दी हुई है, और बहुत अच्छी बुक है, मतलब अगर आप ये बुक ले लेते हो तो आपके लाइफ टाइम में हमेशा काम आएगी, और ये आपकी लाइब्रेरी में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसमें आपके बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ग्लाइकोसाइड के ऊपर पूछ लिया जाएगा, आता है कि स्टोरेज कंडीशन क्या है किसी भी ड्राइड प्लाज्मा की या फिर ड्राइड ग्लाइकोसाइड की, प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछ लिए जाते हैं, या फिर रिचेस्ट सोर्सेज पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फार्माकोग्नोसी से। टॉपिक्स मैंने यहाँ पर आपको बताई दिए, टैनिंस में से पूछ लेंगे, वॉलेटाइल ऑयल्स में से पूछ लेंगे,
या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कितने होते हैं वो पूछ लेंगे, एंड टेक्निक्स पूछ लेते हैं, एंड टेस्ट पूछ सकते हैं, ग्लाइकोसाइड का टेस्ट पूछ लेते हैं, टेनिन्स का टेस्ट पूछ लेते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देख लेना ज़रूर। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस ऐसा टॉपिक है कि आप एक दिन में भी कर सकते हो, और इसके ऊपर तो मैंने बहुत वीडियोज़ डाल रखी है अपने चैनल पर, तो आप वो जाकर देख लेना। इसमें एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, रूल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, पेनल्टीज़ एंड ईयर्स, मतलब इतना छोटा टॉपिक है ना ये आप 3 डेज़ में या 4 डेज़ में आराम से पूरी बुक कर लोगे। और अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप नहीं कर पाओ। तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस तो सबसे पहले आप करके ख़त्म कर दो। नेक्स्ट आ गया आपका मिसलेनियस टॉपिक, इसमें आते हैं माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन, कम्युनिटी फार्मेसी के क्वेश्चन एंड ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर। मैंने ये बुक्स मेंशन कर रखी है, तो बाकी सारा तो आपका कोर्स बेस्ड था, आपके पास ऑलरेडी बुक्स हैं ही उस चीज़ की, तो आप उसमें से स्टडी कर लेना। और जो मैं आपको बुक्स बता रही थी, अगर आप नहीं बाय करना चाहते कोई बुक्स, आपको देखो एक बुक तो करनी ही पड़ेगी, अगर नहीं कर सकते तो मेरे चैनल पर वीडियोस आती रहेंगी। और अगर आपको खुद से स्टडी करनी है, तो यहाँ पर ये रिव्यू ऑफ फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपको ओवरऑल सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको MCQ की बुक लेनी है, तो आप ये दोनों बुक्स प्रेफर कर सकते हो। ये बुक भी बहुत अच्छी है बिरला की, इसमें MCQ मिल जाएगा आपको, और कुछ सब्जेक्टिव पार्ट भी होता है। इस वाली बुक में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। तो अब हम देखेंगे एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन, जो 75 क्वेश्चन थे उसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि एक स्टोर कीपर अपनी पर्टिकुलर डे टू डे लाइफ में क्या करता है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्या उसका रोल होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अगर आप वीडियो स्किप करने का सोच रहे हो तो मत करना, बिकॉज डिटेल वीडियो है ये पूरी, आप लोगों की बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट आई थी इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और स्टोर कीपर ड्रग और स्टोर कीपर जनरल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है टेक्निकल पार्ट का, बाकी पेपर ओवरऑल सेम आता है। इसका जो एक्सपीरियंस बेस्ड पेपर है वो दोनों में ही सेम क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज पोस्ट एक ही चीज की है, वो है स्टोर कीपर, सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है ड्रग और जनरल। सो यहाँ पर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फीफो मेथड्स पूछ लिए जाते हैं, सप्लाई चेन और स्टोर को कैसे मैनेज करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परचेज ऑर्डर क्या होता है कैसे किया जाता है, बाइंग सिस्टम क्या होता है टेंडर में, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसकी एक DBSM करके एक बुक होती है, अगर आप वो परचेज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। GFR रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके सेक्शन, इसमें से तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जेम पोर्टल से और इन्वेंट्री कंट्रोल से। नेक्स्ट होता है टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या पेपर्स लगते हैं, कैसी इसकी फाइल होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पार्टिसिपेंट्स इन टेंडर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एंड व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट इन ड्रग स्टोर, एक ड्रग स्टोर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कैसे एक स्टोर में बिजनेस मैनेज करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, बेसिक क्वेश्चंस यही होते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, अगर आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझको, और कोई भी क्वेरी होती है इससे रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। अब इसकी मैं आपको एक दो बुक बता देती हूँ, अगर आपको बाय करना है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो ये बुक है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की, बाय मोहम्मद अली एंड ज्योति गुप्ता, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको बाय कर सकते हो, या हैंडबुक बाय कर सकते हो अशोक के गुप्ता की वाली, नॉट दिस। और ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हो, बाय मिस्टर DJ पाटिल। ये सारी जो 4 बुक्स हैं आप इनको बाय करना चाहते हो, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं बाय करना चाहते तो वीडियोस आ जाएंगी, आप उसको देख लेना, आपका पेपर हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट है GFR रूल की बुक, इसको आपने बाय करना है ये भी कर सकते हो, अदरवाइज़ ये आपको इंटरनेट पे बहुत अच्छे से इजीली अवेलेबल हो जाता है। सो यहाँ मैंने आपका ओवरऑल स्टोर कीपर ड्रग का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड बुक्स एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा ही एफर्ट लगती है बच्चों।